आज 23 जुलाई है और जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा द हिंदू क्या और कैसे पढ़ें। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप यूपीएससी के गंभीर एस्पिरेंट हैं तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ें लगातार मिलती रहें, जिससे आपकी तैयारी में कुछ तो सहायता होगी, है ना। कुछ सहायता, कुछ योगदान हम कर पाएँ उसमें हमारी बहुत खुशी होगी। सामान्यतः किसी भी कोचिंग या संस्थान या किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं होता। जो 10% योगदान होता है उनमें से शायद मुझे 0.0005% भी अपना योगदान करने का अवसर मिल रहा है, तो मैं करना चाहता हूँ। तो इसलिए आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ताकि आपको ये पता चलते रहे क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें, है ना। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे सत्यमेव जयते गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, टूरिज्म नाउ एंड इंडस्ट्री इन राजस्थान, उद्योग बना दिया गया है टूरिस्ट को, टूरिज्म को, जो पर्यटन है उसे उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। तो आप यहाँ ध्यान रखें कि टूरिज्म का दर्जा देने का मतलब, जो टूरिज्म है उसको इंडस्ट्री का दर्जा देने का अर्थ क्या होता है ना। क्या क्या बदलाव आएंगे ये आप जरूर रखें ना। इस प्रकार का सवाल यूपीएससी पूछता है कि जब भी बदलाव किया गया है, इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है, तो आप कौन सी छूटें मिल जाएंगी, क्या इसके लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, इसके बारे में आप देख लें। तो उसके बाद हम उस पे आते हैं। अब जो पहली न्यूज़ है हमें जो आज पढ़नी है वह है दिनेश गुणवर्धना स्वॉर्न इन एज श्रीलंका पीएम, ठीक है। तो हम लोगों ने कल ही चर्चा की थी, बनने वाले थे आज बन गए हैं, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद है सुराराई पत्तुरु विंस बेस्ट फिल्म अवार्ड, है ना। ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड देता है, बहुत काम का नहीं है बट ठीक है। अभी इसके जो सब्जेक्ट हैं वो बहुत अच्छा है, तो आप एक बार वो देख लीजिएगा चलते फिरते निगाह से, कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। उसके बाद हम आते हैं नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 में द्रविड़ियन मूवमेंट एंड आर्यन इल्यूजन्स, है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से ये समझिए कि आर्य का भारत में आना या इस तरीके की जो आइडियोलॉजी है ना, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। और कौन क्या कहता है, कब एविडेंस क्या मिला, है ना। उसके बाद क्या चेंज लाए जा रहे हैं या क्या बदलाव लाए जा रहे हैं, कहानी में किस प्रकार के बदलाव लाए जा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो इसलिए ये आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हमें देखना है डिस्पाइट प्रेशर द रूपी रिमार्केबल रिसिलियंस, है ना। जो है जो दबाव है ना, रुपए पे दबाव है, उसको उसके बावजूद भी वो ठीक ठाक टिका हुआ है। तो इसके लिए मतलब क्या क्या है, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो इफेक्ट क्या होगा, एक कमज़ोर रुपये का इफेक्ट क्या होगा, कमज़ोर रुपया कहाँ कहाँ प्रभाव डालता है, क्या क्या प्रभाव डालता है, और आरबीआई कौन कौन से कदम इसके बारे में उठाती है, इनके बारे में चर्चा की गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद जो है सऊदी यूएई रिकॉर्डेड मोस्ट डेथ ऑफ इंडियन वर्कर्स, है ना। तो भारतीय वर्कर्स की मौत वहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। तो क्या कारण है दोस्तों कि हम सऊदी और अरबी क्षेत्र में भारतीय काम करने को जाते हैं। तो एक सबसे बड़ा काम कारण जो है वो है कि भारत में रोज़गार की कमी। उसके बाद एक चीज़ और है कि एक यहाँ पे न्यूज आई है कि यहाँ जो कोस्ट है, लेबर कोस्ट वो कहीं के मुकाबले भी 1/4 है, तो माना जा रहा है, या यहाँ पे जो लेबर को हम सैलरी दे रहे हैं या क्या बोलते हैं मेहनताना दे रहे हैं,
वह 1/4 दे रहे हैं, तो इसके कारण से लोग बाहर जाते हैं। दूसरी बात है कि ना भी जाएं तो इन्हें काम नहीं मिल पाता है। अभी काम नहीं मिल पाने के कारण, बेरोज़गारी बढ़ने के कारण कुछ लोग बाहर जाते हैं, उन्हें वहाँ काम मिल जाता है। तो यहाँ पे मृत्यु का एक कारण बहुत बड़ा ये होता है कि जब हम ये बाहर जाते हैं तो यहाँ से वहाँ जाके वहाँ के वेदर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वहाँ की चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है ना। तो ये एक कारण है, और जो चीज़ें बताई गई हैं उसको भी देखिए कि क्या। इसके बाद है अंटार्कटिक बिल पास्ड इन लोकसभा, है ना, अंटार्कटिक बिल लाया गया है ना और लोकसभा में पास करा दिया गया है। तो इसमें आपको ये देखना है कि ये बिल क्यों लाया गया, किन के लिए लाया गया, है ना, और किन पे ये लागू होगा। आपने देखा होगा ये जो अंटार्कटिका में शोध करने जाएंगे वैज्ञानिक या वहाँ पे जो लोग जाएंगे उन पे ये कानून लागू होगा, उसी के बारे में बात की गई है। इसके बाद है मोस्ट न्यू पैसेंजर व्हीकल्स कुड बी इलेक्ट्रिक बाय 2050, पेज नंबर 10, है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि मोस्ट न्यू पैसेंजर व्हीकल, है ना, पैसेंजर व्हीकल जो हैं वो 2050 तक इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक कारों के बारे में आप जान लीजिए, इलेक्ट्रिक कारें क्या इलेक्ट्रिक कचरा पैदा नहीं करेंगी, इसके बारे में जान लीजिए। ई वेस्ट लोग पढ़ते हैं ना, ई वेस्ट जो है एक अंबार बनता जा रहा है और एक नई समस्या है। नई समस्या के साथ साथ आपने देखा होगा इस समस्या के समाधान के लिए एप्पल जैसे कंपनियों को बहाना मिलता है और वो क्या करती हैं, चार्जर देना बंद कर देती हैं, हेडफोन देना बंद कर देती हैं, तो इस तरीके की चीज़ें बंद कर देती हैं। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हम 2050 तक इलेक्ट्रिक बस या इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स आ जाएंगे। तो इनसे जो निकलने वाली बैटरियाँ होंगी या इनके जो उप उत्पाद होंगे, है ना, वो क्या होगा। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये 2035 तक ये नौटंकी चलेगी। इसके बाद हम अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के और जाएंगे। अब अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत क्या हैं, तो हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे, है ना, सोलर एनर्जी की तरफ जाएंगे जो सीधे किसी बैटरी में, मतलब बैटरी या फिर सोलर एनर्जी से या फिर ऐसे एनर्जी जिसको स्टोर किया जा सके, बैटरी के रूप में नहीं, मतलब बैटरी के बिना हम जाएंगे। ये 2035 तक चलेगा ये मामला, लेकिन 2035 के बाद हम बैटरी के बिना बनने वाली कार उस पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप लोग, RBI विल आयरन आउट वोलेटाइल रुपी मूव्स, है ना। तो RBI ने क्या कदम उठाए हैं उसके बारे में थोड़ी बात की गई है, तो उसे आप पढ़ लीजिएगा। और बाकी कुछ ऐसा है नहीं। दास से विल एक्ट एंश्योर रुपी फाइंड इट्स लेवल करेंसी होल्डिंग अप वेल रिलेटिव टू एडवांस पीयर्स, है ना। तो अभी ये जो है जितना गिर चुका है उसके बारे में बात की गई है और किस तरीके से ये रोकेंगे या किस क्या क्या उपाय किए जाएंगे, तो ये देखना है और इसमें इसकी चर्चा की गई है। तो आज की चर्चा में इतना ही है और आपने जान लिया।